प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे ये कार्रवाई की। इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। इससे पहले गुरुवार दोपहर को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज करते हुए मामले में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा और उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद इस फैसले के खिलाफ आज अरविंद केजरीवाल की टीम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से डीडी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं, जो इस समय दिल्ली ईडी ऑफिस में मौजूद है। जी चंद्रशेखर, ईडी की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली है, क्या कुछ वजह रही है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, यहाँ पर दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है ईडी का, वहां पर उनको रखा गया है और इनसे काफी समय से पूछताछ भी हो रही है। सुबह 9:30 बजे से यहाँ पर पूछताछ होनी शुरू हो गई थी। इससे पहले उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया था, क्योंकि अलाउ जा रही है कोर्ट में जब उनको लेके जाना है तो उससे पहले एक मेडिकल अपना रिपोर्ट भी उनके लेके जानी थी। और चूंकि राव डब्ल्यू कोर्ट में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को के पक्ष में यहाँ से जो मनु सिंह भी है वो लड़ रहे हैं और वो यहाँ पर रहेंगे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है उसको हटाया गया है ताकि वो समय जो है उन्होंने कोर्ट में दे सके। तो ये एक टेक्निकलिटी की वजह से ये चीज वहां से वापस लिया गया है। इसके अलावा काफी समय से जो पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, किसी भी समय अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ले जाया जा सकता है राजनीतिक कोर्ट की तरफ। तकरीबन जिस प्रकार से हलचल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसे देखा जा सकता है कि समझा जा सकता है कि यहाँ से आप सीधा वो राजनीतिक कोर्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ पर ईडी ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक उनको रिमांड पर लिया जा सके, ताकि जो पुख्ता सबूत ईडी के हाथ में लगे हैं और जो टेक्निकलिटीज वो जानना चाहती हैं वो कम से कम वो अरविंद केजरीवाल से पूछ सके। तो ये अभी तक का फिलहाल घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है। जी, ईडी की ओर से क्या लग रहा है कि क्या कार्रवाई संभावित हो सकती है, ईडी आगे क्या कदम उठा सकती है? देखिए, ईडी ने अपने जो पुख्ता सबूत हैं वो इससे पहले हाईकोर्ट में भी दिए थे और जिसके कारण उनको कहा गया था कि ईडी को ये छूट इस तरीके से मिली थी कि वो चाहे तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकती हैं। तो ये उसके बाद शाम को जिस प्रकार से घटनाक्रम चला और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से तमाम जो सबूत हैं वो तो इकट्ठा किए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी और जो लोग हैं, यानी 15 लोग इसमें शरीफ किए गए थे, इनके खिलाफ चार्जशीट है, तो उन लोगों को साथ में रूबरू बैठा करके भी बात की जा सकती है कि ताकि ये समझा जा सके कि कितना सच्चाई इसमें है। और अरविंद केजरीवाल लगातार बचते चले आए हैं इन चीजों से और 9 समन को जो भेजे गए थे उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ईडी रूबरू बना करके उनसे बातचीत कर सकती है और के कविता आज के सामने भी आपको बिठा करके भी उनसे बातचीत करा सकती है। तो ये एक कई सारे चरण हैं जिस पर ये काम होगा और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है वो देखने वाली बात। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।